सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज से हम एनटीए अभ्यास एप्लीकेशन के जो बायो के क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यार, एनटीए एप्लीकेशन से पिछली बार के एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 21 के एग्जामिनेशंस के लिए। एंड स्पेशल बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं, तो किसी भी लैंग्वेज के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू कर लेते हैं आज के हमारे सेशंस को, और बाकी की जो बातें हैं हम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वसा यकृत सिंड्रोम किसके अत्यधिक अंतःग्रहण के कारण होता है। द फैटी लिवर सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ टोबैको, अल्कोहल, एस्पिरिन या फिर मॉर्फिन। देन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यार ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी कॉलम्स है पीजीआर और उनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है उसके लिए निम्नलिखित का मिलान करना है और सही विकल्प को आपको चूज करना है। मैच दी फॉलोइंग फॉर पीजीआर एंड देयर केमिकल नेचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एंड गाइज, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, 2.8K के अराउंड फॉलोवर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, इतना टाइम इनफ होगा इसके लिए। देन इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा, यानी कि IAA, यानी कि जो थ्री एसिटिक अम्ल होता है इंडोल जो होता है उसका मैच जो होगा वो होगा आपका इंडोल यौगिक के साथ। बी काइनेटिन का जो मैच होगा वो होगा एडनिन व्युत्पन्न के साथ। ABA का मैच होगा कैरिटोनाइट के साथ और GA3 का मैच होगा आपका टर्पीन के साथ। तो इस प्रकार से ये सारे मैच हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन इज आरबीसी में उच्च सांद्रता पर उपस्थित एंजाइम डैश है। द एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी एट हायर कंसंट्रेशन इज, जो कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन इज डीएनए जायरेज, पेप्सिन, डीएनए पॉलीमरेज या फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्यों में माइकोबैक्टीरियम की दो विभिन्न हानिकारक प्रजातियों के कारण क्या होती हैं। इन ह्यूमन द टू डिफरेंट हार्मफुल स्पीशीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम कॉजेस, हेजा और अतिसार, न्यूमोनिया एंड डिप्थीरिया, टिटनस एंड प्लेग, कुष्ठ रोग या फिर क्षय रोग। तो यार, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि कुष्ठ रोग और क्षय रोग। जो मनुष्यों में कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के कारण होता है, जबकि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है यानी कि टीबी, क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है गाइस, ये सब आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, cDNA को किस एंजाइम द्वारा RNA में संश्लेषित किया जाता है। cDNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम RNA बाय द एंजाइम RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेटेज, DNA डिपेंडिंग DNA कन्वर्टेज या फिर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। देन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, RNA निर्भर है DNA पॉलीमरेज, RNA डीनेट डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, या जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो DNA होता है जिसे कि RNA द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, सिंथेसाइज्ड किया जाता है, उसे ही cDNA कहते हैं। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना को एक द्वितीयक लसीकाम अंग माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, टॉन्सिल, पेयर पैच, परिशेषिका,
अपेंडिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा एमआरएनए परकूट एमिनो अम्ल वैलिन का कूटलेखन करता है? द एमआरएनए कोडोन विच कोड्स फॉर द एमिनो एसिड वैलिन इज? जीओसी, यूजीजी, सीसीए या फिर टीटीजी? ठीक है गाइज, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी यू सी। जो एमिनो अम्ल वैलिन होते हैं, एमिनो अम्ल जो वैलिन होते हैं, इनका जो कूटलेखन होता है वो चार परकूट से होता है। अब ये चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आपका है जी यू यू, उसके बाद जी यू सी, ठीक है, उसके बाद जी यू ए आ जाता है, एंड नेक्स्ट आपका आता है जी यू जी। इसमें से एक मैंने आपको बता दिया है जी यू सी, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिसा जो कि एक तकनीक है जिसका उपयोग रोगजनक के प्रारंभिक निदान के लिए किया जाता है, और यह किस पर आधारित है? ये जो क्वेश्चन है वो 2020 का जो कोविड स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें पूछा गया था एलिसा से रिलेटेड। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन एलिसा से रिलेटेड था। क्वेश्चन इज, एलिसा इज ए टेक्निक यूज फॉर ईयरली डायग्नोसिस टू पैथोजन एंड इज बेस्ड ऑन? देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कि रोगजनक के जो विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान पर ये जो है वो डिपेंडेड है, बेस्ड है, डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश पी डैश का द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है और इसके परिणाम स्वरूप डैश क्यू डैश का निर्माण होता है, एंड आपको बताना है कि पी और क्यू के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है, डैश पी नहीं है, ये एक ही डैश है, मैंने अलग अलग बोल दिया। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। डैश का जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है और इसके परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। द सेकेंड मायोटिक डिवीजन ऑफ डैश इज अनइक्वल एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो पी और क्यू को आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पी में आएगा आपका द्वितीयक अंडक और क्यू में आपका आएगा ध्रुवीय पिंड। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? हीमोफिल्स, इन्फ्लुएंजा, इस्चेरिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस या फिर बैसिलम एमाइलो लिक्विफेसियंस? जो प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो है ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसको हिंद सेकंड को, उसका जो हिंद सेकंड है उसको हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा है उससे प्राप्त किया गया था, लेकिन इसका राइट जो ऑप्शन होगा, स्रोत नहीं है पूछा है, कौन सा स्रोत नहीं है, तो नहीं है इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है वो इसका स्रोत नहीं है। बाकी जो इम्फोलियस इन्फ्लुएंजा हो गया, उसके बाद जो आपका बी और डी है, ये भी इसके स्रोत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वृक्ष वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर स्थित होते हैं, झाड़ियाँ दूसरे स्तर पर स्थित होती हैं और शाख या घास तल्ली की परत पर स्थित होते हैं, यह क्या प्रदर्शित करता है? द ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्राटा ऑफ ए फॉरेस्ट, श्रब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स आर ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स, द रिप्रेजेंट लैंड फिलिंग प्रोडक्टिविटी, स्तर विन्यास यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव?
तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन को, यानी कि स्तर विन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइज? फिर से मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली आपको सर्च करना है स्टडी स्किल सक्सेस, वहाँ से आपको ये चैनल मिल जाएगा। 2.8K के अराउंड यहाँ पर आपको फॉलोवर्स मिलेंगे, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली यहाँ से पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यार, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना काम कर दीजिएगा बस, बहुत है। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए इनमें से एंड टाइम लीजिए। यार इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए ना, तो वीडियो को कीजिए पॉज और आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। जो अंतरोपण के बाद उंगली जैसी संरचना पोषक कोरकों पर दिखाई देती है, जो गर्भाशय उत्तक और मृत रक्त से गिरी हुई होती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का कौन सा सरकारी अधिनियम हमारे पर्यावरण, वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के लिए 1986 में पारित हुआ था? इस पर मैंने एक वीडियो भी दिया था आपको, जितने भी एक्ट हैं उन पर। विच गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड इन 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरनमेंट, यानी कि एयर, वाटर एंड सॉइल। तो सबसे पहला तो है NEPA, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद आता है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूरो सेकंड नॉर्म्स आता है, उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आता है। तो सही आपको बताना है। देन जो राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था, एंड ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड दिस एक्ट क्लियरली ब्रिंग्स द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड सॉइल क्वालिटी एंड द कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट भारत में उपस्थित नहीं है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ये तो आप बता देंगे यार, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, द हिमालय, ईस्टर्न घाट या फिर इंडो बर्मा, कौन सा है? अब ऐसे मत बोल दियो यार श्रीलंका है तो ये आप कर रहे हो। नहीं, पूर्वी घाट जो ईस्टर्न घाट है वो इंडिया में नहीं है। भारत में सिर्फ तीन ही हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहला अपना आता है पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। सेकंड आता है द हिमालयस, एंड फिर आता है आपका इंडो बर्मा। पूर्वी घाट एक हॉटस्पॉट ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के कारण अनुवांशिक विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। यार इस PPT को तैयार करने के लिए ना काफ़ी मुझे टाइम लगा है, तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। पता है पहले मैं हिंदी में रखने वाला था, फिर मैंने नहीं यार हिंदी में नहीं, इंग्लिश और हिंदी बोथ में रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने हिंदी वाले टेस्ट को खोला, उसमें से ये क्वेश्चंस निकाले, फिर इंग्लिश वाले टेस्ट को खोला, उसमें से क्वेश्चंस निकाले, फिर दोनों को मर्ज किया, फिर PPT बनाई, फिर आंसर्स लगाए, काफ़ी टाइम हुआ है। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के कारण अनुवांशिक विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। यार ये डबल आ गया क्या? एक मिनट रुकिए यार, अच्छा नहीं डबल नहीं आया, यही है। ठीक है, ऑटोगैमी, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी और सी बोथ होगा, यानी कि आउटक्रॉसिंग भी होगा एंड क्रॉस पोलिनेशन भी होगा। ठीक है, बी और सी बोथ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक मादा में जो रज्जोधर्म या फिर रज्जोधर्म प्रवाह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रल फ्लो इन ए व्यूमन अक्यूर्स ड्यू टू लेक ऑफ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोलैक्टिन। चलिए बताइए, देखिए होता क्या है ना, जो पित्त पिंड होता है
उसके निकास के कारण जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है उसका जो अंतःस्तर परत होती है उसका अपहास हो जाता है और रक्त के साथ वो झड़ जाती है, और इसे ही हम रज्जोधर्म कहते हैं। तो इस बिहाव पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो है वो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी दूरी तक जल, खनिज और खाद्य का परिवहन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज जनरली कैरिड आउट बाय, बताइए। सबसे पहला है डिफ्यूजन ओनली, बी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, उसके बाद है मास फ्लो सिस्टम, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मास फ्लो सिस्टम, यानी कि सामूहिक प्रवाह तंत्र द्वारा जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसमें किसके द्वारा अंत्य प्रजनन अवनति को दूर किया जा सकता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा इन ब्रीडिंग, बताइए कौन सा होगा। देन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटक्रॉसिंग। आउटक्रॉसिंग जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला गया है कि ग्लोबिन अणु संश्लेषण में एक समस्या के कारण जो थैलासीमिया है और उसके जो दातर कोशिका है वो अरक्तता होती है, सही कथन का इसके आपको चूज करना है, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो लेंथी क्वेश्चंस हो उसके लिए वीडियो को आप कीजिएगा पॉज। चलिए फिलहाल इसका आंसर हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। बोला गया है कि थैलासीमिया ग्लोबिन अणु के निम्न संश्लेषण के कारण होता है, थैलासीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसाइज ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नर में बांधत्या सकलित वीर्य में शुक्राणुओं की बहुत निम्न संख्या के कारण स्त्री साथी को वीर्य सेचित करने की अयोग्यता के कारण होती है, इसे किसके द्वारा सही किया जा सकता है? द इनफर्टिलिटी इन मेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजेकुलेट्स इन इनएबिलिटी टू इंसिमिनेट द फीमेल पार्टनर कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर या फिर ए एंड बी। यार ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि बोथ ए एंड बी। सो यार ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, एंड इसके अलावा कोई भी कमी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी सेशन हो उस कमी को हम दूर कर सकें। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो आपका कमेंट कीजिएगा, स्कोर आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।